हेलो दोस्तों, मैं मोनू सैनी अपने यूट्यूब चैनल सैनी सॉल्यूशन रिपेयरिंग पे। तो दोस्तों, मैं आज आपको समझाऊंगा स्टेप टू स्टेप वाइज कि हम 6 तार का जो टाइमर होता है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसके कनेक्शन कैसे होते हैं। तो 6 तार का ये हमने टाइमर लिया है, ये हमारी इलेक्ट्रोलेक्स वॉशिंग मशीन से मैंने खोला था। तो ये ज़्यादातर LG, वीडियोकॉन, सैमसंग में लगा होता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा, इसमें 6 तार दिए हैं, ये हमारे स्टेप टू स्टेप मैं समझाऊंगा आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले समझाने से पहले मैं आपको एक बार, ये मोटर है, इसकी मोटर लगी होती है इसमें, तो मोटर का जो कवर होता है मैं इसमें एक बार खोल के आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने मोटर खोल ली है और ये कैसे वर्क करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से ऐसे तो आप ये देख ही सकते हो। तो दोस्तों, ये जो हमारा येलो जो वायर है हमारा, ये होती है न्यूट्रल। ये येलो वायर देख रहे होगे, ये हमारे न्यूट्रल है। लेकिन आप सोच रहे होगे दो वायर क्या किस लिए होती है। दो वायर इसलिए होती है, जो एक वायर होती है ये हमारे, एक जाती है बजर में, एक हमारे जाती है बजर में। और दोस्तों, ये ऑरेंज जो तार है ये हमारा होता है फेस ये, और ये जो ब्राउन कलर का तार है ये हम होता है हमारा बजर, और ये ब्लू और रेड ये हमारे जाते हैं मोटर के लिए। ये हमारे दो दो तार होते हैं, रेड और ब्लू, ये हमारे मोटर के लिए होते हैं। तो इसको हम कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो दोस्तों, ये हमारा, मैं जैसे मैंने आपको बताया था, जो येलो जो हमारी वायर है ये हमारी न्यूट्रल होती है, और ये जो हमारी ऑरेंज वायर है ये हमारी फेस होती है। तो हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं, तो चेक करने के लिए सबसे पहले हमें एक नॉब की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने सैमसंग के ले लिए ऐसे ही, तो मैं इसको ईजी जो घुमाने के लिए, ये मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। ये हमारा जो टाइमर होता है ये तब तक वर्क नहीं करता जब तक इसको न्यूट्रल फेस नहीं मिलते हैं। जब तक इसको न्यूट्रल फेस नहीं मिलेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। जैसे जैसे कि ये है, अब मैंने घुमा दिया है, तो जैसे कि ये इधर घूम के बिल्कुल भी नहीं आने वाला है जब तक ये मोटर वर्क नहीं करेगी। ये मोटर वर्क करने के लिए न्यूट्रल फेस की आवश्यकता ज़रूर होती है इसमें। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जैसे ही मैं इसमें लगाता हूँ, तो दोस्तों ये न्यूट्रल और फेस वायर मैंने लगा दिए हैं, और जो ये दो वायर है हमारी ये है मोटर के लिए। तो ये वर्क कैसे करता है, ये जो आप पत्ती देख रहे होगे, देखो एक बार इधर टच हो रही है, एक बार इधर हो रही है। तो ये हमारी जो मोटर में जो एंटी क्लॉक वाइज जैसे घूमती है हमारी, राउंड जैसे मशीन राउंड करती है एंटी क्लॉक वाइज, एक बार इधर एक तरफ इधर करती है जैसे। तो ये जो हमारे जो तार हैं, एक बार हमारा इसमें इसमें करंट आ रहा है, एक बार हमारा इसमें करंट आ रहा है। तो ये हमारा तरीका होता है चेक करने के लिए। तो जैसे देखो ये हमारा वर्क कर रहा है दोनों तरफ, ये इसमें भी हमारे जो फेस है, फेस कभी इस पर टकरा रहा है, कभी इस पर टकरा रहा है इस वाली पत्ती पे। ये आप वीडियो में इजी तरीके से देख ही रहे होगे। तो ये हमारा 6 तार का टाइमर है, बहुत ईजी होता है। किसी किसी में एक भी होता है ये येलो तार, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये न्यूट्रल देना होता है हमें, तो हम कहीं से भी न्यूट्रल दे सकते हैं, नीचे से भी उठा के, मतलब डायरेक्ट लीड से भी हम न्यूट्रल दे सकते हैं। तो ये हमारे इसमें दो पत्ती थी, मैंने इसलिए खोल के दिखाया आपको, तो ये आप देख ही सकते हो। ये जैसे कि मैं हाथ में उठा रहा हूँ तो ये वाइब्रेट भी कर रही है, इससे पता चलता है कि ये हमारा वर्क कर ही रहा है। तो ये देख रहे हो पत्ती जो दो, वो दो वायर है हमारी, ये देखो एक में ही पत्ती में टच हो रखी है, ये देख सकते हो। ये हमारा जो दूसरी जो वायर है येलो कलर की, तो ये हमारी बजर में जाएगी, ये बजर में जाएगी, और एक ये हमारी, ये दो तार है ये हमारी, ये हमारी बजर के लिए है, और ये दो तार हो गई ये हमारी मोटर के लिए है। तो ये सिंपल सा तरीका है 6 तार का। अब मेरे को लगता है कि आप भी लोगों को बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि दोस्तों ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, थैंक यू।